फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी गुरु में। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम एक जनरल रोल की बात करेंगे, उसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो तरीका रहेगा पढ़ने का, उसमें ये रहेगा कि किस तरीके से क्या क्या रोल इनके हैं, एक मोटे मोटे तरीके से हम देख लें। तो हम बता दें आपको कि ये दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन, ओके, कई सारे फंक्शन ये करते हैं, तमाम सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए बोरोन एलिमेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये सब पढ़ चुके हैं अपन पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि मेंटेनेंस के लिए आपका पोटेशियम था और आपका क्लोराइड आयन थे, वो मेंटेन करते हैं अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लाइक स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो इसके लिए आपका आयरन है, आपका सल्फर है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम, ओके, साइटोक्रोम। इसके अलावा इसमें कॉपर भी रोल प्ले करता है, ओके। तो ये सब हैं। नेक्स्ट क्या है, बफरिंग एक्शन के लिए। तो बफरिंग एक्शन में क्या होता है कि ये बफर क्या करता है, किसी भी उसका रिएक्शन का पीएच चेंज नहीं होता है, तो ये पीएच को कांस्टेंट रखता है। तो इसमें फास्फेट बफर है ना, वीक एसिड्स हैं, वो सब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए हम बात करते हैं, तो तमाम सारे एग्जाम हमने एंजाइम देखे थे, जैसे कि मैग्नीशियम था, ओके, रूबिस्को के लिए, पेपकेज के लिए, इसी तरीके से हमने देखा था जेड एन एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए, ओके, इस तरीके देखा था मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए, तमाम सारे इस तरीके से हैं जो एंजाइम एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर है कि माइनर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना होता है CHO, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट्स, ओके, या हम लिपिड कहें, ये सब किसके बने हैं, CHO के, ओके। इस तरीके से अगर इसमें हम NO लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CHON हो जाएगा, ओके। तो चारों चीज़ें हो गई, तो ये किसके बने हो गए, ये कौन बना होता है, इस तरीके से प्रोटीन में N भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इस तरीके से हमने देखे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है इनका, ओके। तो एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो इसमें क्या देखेंगे हम कि नाइट्रोजन, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है एब्जॉर्प्शन पे, तो किस तरीके से हम देखेंगे कि नाइट्रोजन किस रूप में एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें क्या है कि मेनली क्वेश्चन पूछा जाए तो मेनली होता है नाइट्रेट के रूप में, ओके, देन नाइट्राइट NO2, देन अमोनियम। तो सम पार्ट जो है वो नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में होता है, लेकिन मेनली जो है किसके रूप में, नाइट्रेट के। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये है आपका नाइट्रेट, ओके, और ये है नाइट्राइट। तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ कैसे याद रखना है, स्पेलिंग में केवल यहाँ डिफरेंस है, देखिए 8 और 9, तो मैंने तो उसको ऐसे याद कर रखा है कि 3 जो है ना, NO3 जहाँ पे है, तो 3 चेंज इनटू 8 तो हो जाएगा नाइट्रेट, 8 हो जाएगा, और ये 2 वाला जो है नाइट्राइट हो जाएगा। तो मेनली नाइट्रेट के रूप में और सम पार्ट लाइक ऐसे। फास्फोरस जो है किसके रूप में, फास्फेट आयन। तो फास्फेट आयन कैसे करना है, H2PO4। अब 2 को अगर हम यहाँ ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, HPO4 2 नेगेटिव, ओके, तो ऐसे रखना है। किस नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का डायरेक्टली आपका आ जाएगा पोटेशियम आयन के रूप में। कैल्शियम का हम देखें तो कैल्शियम आयन्स के रूप में। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का भी सेम है, मैग्नीशियम आयन के रूप में हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। सल्फर, सल्फर का थोड़ा सा याद करने के लिए है तो इसकी ट्रिक समझ लें, SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें क्या है कि आजकल भाई शादी विवाह होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, पहले बात चलती है फिर आपस में बात जब फाइनल में आती है तो लोग क्या बोलते हैं, लड़की और लड़के वाले, सो फोटो भेज दो, तो क्या करना है, सो फोर टू हो जाएगा, ओके। तो ये आपका ट्रिक होगी इसके लिए, सल्फर के लिए नाम। नेक्स्ट क्या है, आयरन। तो आयरन के लिए क्या है, आयरन जो है, आयरन में जो है फेरिक आयन के रूप में ये एब्जॉर्ब होते हैं और अंदर जाकर के ये कन्वर्ट हो जाते हैं Fe2+ फेरस में, ओके, फेरस चेंज इंटू फेरस आयन, ओके। तो एब्जॉर्ब किस रूप में होते हैं, फेरिक Fe3+, अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं Fe2+ में। मैंगनीज की हम बात करें तो ये MN2+, ये तो सिंपल ही है, ZN में भी 2+,
कॉपर में क्यूप्रिक आयन यानी कि 2+ Cu 2+ के रूप में ये आपका होते हैं एब्जॉर्ब, और अंदर जाके क्यूप्रस में चेंज होते हैं, सिंगल प्लस रह जाएगा। बोरॉन, अब बोरॉन का याद आपको रखना पड़ेगा, बोरॉन का तो बोरॉन के लिए क्या है, Bo3 3- है ना, और इसको ऐसे लगते हैं Bo4 O7 2-। तो इसमें क्या रखना है, बो थी कौन थी पता ही नहीं है, लेकिन बो थी Bo3 3। ओके बो थी, तो कह रहे कि Bo4 O7 2, सत्तू होते हैं चने के बनते हैं सत्तू, ठीक है, सत्तू खाने से पहले यानी Bo4 O7 2 ऐसे रखना, O7 2। ओके सो Bo3 3 एंड Bo4 O7 2। इसमें मॉलिब्डेनम का हम बात कर रहे हैं, तो मॉलिब्डेनम का क्या हो जाएगा, MO मॉलिब्डेनम O2 2+। ओके इसको कैसे याद रखना है, MO2, तो टू मो टू होंगे तो क्या होंगे, प्लस में ही जाएंगे वो फैलेंगे, तो याद रखना MO2 2+। ओके क्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड आयन के रूप में हो जाएंगे, एनायन के रूप में। ओके तो इसमें ये महत्वपूर्ण ये वाले हैं, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, सल्फर का, ठीक है, सल्फर के अलावा आपका नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनरली